आह्वान करें हम परात्परे हम परात्पराजन्नी की सम्मिलित दिव्य चेतना का अवतरित ठोकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर सीक्रेट नॉलेज 50वें पृष्ठ की 8वीं पंक्ति पर 22वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर उद्वारोहण कराएं ताकि रखे गए भाव को विचारणा को मंत्रों को सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सके जान सके सीख सके समझ सके तदनुरूप साधना के गुरु पथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सके इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी एवर सराउंड अवर ब्रीफ एग्जिस्टेंस हियर ग्रे शेडोज ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चनिंग्स द डार्क इनकॉन्साइंस signless mysteries stand up unsolved behind fate's starting line an aspiration in the night's profound seed of a perishing body and half-lit mind uplifts its lonely tongue of conscious fire towards an undying light forever lost. पूर्व के कुछ भाव को साथ रखकर सरल भाव की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अज्ञात से अज्ञात की ओर सतत बढ़ते चले जाने वाली इस जीवन यात्रा में मानव को अर्ध सचेतन मन प्राप्ति से सोचने विचारने समझने की शक्ति प्राप्त हो जाने से प्रारंभिक मानव काल से ही अनुत्तरित प्रश्नों की एक श्रृंखला जैसे सृष्टि सृजन कैसे और क्यों हुआ अस्तित्व में आए जगत के पीछे क्या रहस्य और उद्देश्य है लक्ष्य क्या है मानव धरा पर क्यों है उत्तरों की आंशिक झलक कभी कभार मिल जाने पर भी प्राप्त उत्तरों से सदैव संतुष्ट मानव मन पर के अनुत्तरित प्रश्नों की तमसा छंद रात्रि अंधकार की छायाएं भागवत अंशधारी मानव अस्तित्व पर झुककर असत अचित अज्ञान अंधकार के आवरण से आवरणित करके अधिक प्रभावशाली बनकर झुक झुक कर इसके चारों ओर इसे घेरे छाई रहती है। अश्लायमान परमात्मा से जागृत संकल्प एकोम बहुश्याम की संसिद्धि में उनसे उद्भूत उनका ही जो एक भाग सश्लायमान बनकर सप्त सोपानों से अवतरित होकर खंड खंड में बटकर आकारित होने के लिए स्वीकारे गए असत अचित के आवरण को ओढ़कर जब सर्वप्रथम आकार में आकारित होते हैं तब ही देश काल सीमाबद्धता स्वीकारते हुए विधि विधान की आरंभिक रेखा के पीछे काली
अज्ञानांधकार युक्त अवचेतना की अदृश्य इंगित रहिता असिद्ध रहस्यताएं खड़ी हुई हैं, जो तमस के घन अंधकार युक्त रात्रि के गभीरतम अंतर में छिपकर एक भागवत लक्ष्य संसिद्धि की चाहना अभीप्सा सतत समस्त अंतरों में निवास करती है, जिसमें अस्तित्व में आए नश्वर तन और अर्ध प्रकाशित मन तक विकसित होकर अभिव्यक्त हो जाने का एक स्थायी बीज विद्यमान है। इसे भागवत अंश ने अभिव्यक्ति के खातिर भागवत लक्ष्य संसिद्धि लीला प्रसंग में अचित असत में प्रवेश पाकर नाना आकारों में आकारित तो होते हुए सतत विकासोन्मुख प्रक्रिया से उन्नत विकसित रूपों में मंदता से अभिव्यक्त होते हुए भीतर अपनी सचेतन शाश्वत अंश विभूति की अग्नि की अकेली अग्नि ज्वाल से ऊपर की अगले उन्नत सोपान का विकसित रूप में अभिव्यक्त हो उठने की दिशा की ओर ऊर्ध्व गति करते करते यह अग्नि यह ज्वाला मंद होकर अंतर में धधकती शाश्वत की अमर ज्योति जो असत अचित अज्ञ प्रवेश स्वीकारने पर सदा सदा के लिए मानो कहीं गुम हो गई, फिर से स्मृति पाने के लिए सतत यह बुझी बुझी सी अंतः चेतना जोर मारती ही रहती है, ताकि स्मृति प्राप्त करके यह शाश्वत अंश अपने मूल शाश्वत अमर प्रकाश से जुड़कर उनकी दिव्य शक्ति धारण करके उनसे उद्भूत संकल्प को शीघ्रातिशीघ्र संसिद्ध करने के प्रयास में अधिक वेग धारण कर सके, ताकि नवीनतम उन्नत अभिव्यक्त रूप धरती पर शीघ्रातिशीघ्र अभिव्यक्त हो उठे। आज हम इस सार गर्भित विषय को यहीं विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्पराजन्य की सम्मिलित दिव्य चेतना, जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना, अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए ज्ञान को, विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं, ताकि रखे गए भाव को जिसे हमने प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना, हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं। जब जब साधना के दुरुपथ पर हमें ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता हो, तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के दुरुपथ पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से कुछ क्षणों के लिए हम ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं, सचेतन सावधान सावचेत बने रहें, भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है।
ओ,